गाइस, इट्स मी आदित फ्रॉम आदित्स गिटार लेसंस। आज के वीडियो में हम अपने गिटार में न्यू स्ट्रिंग्स लगाना सीखेंगे। इसके मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट आए हैं लोगों के कि व्हाट इज़ द राइट वे टू पुट द स्ट्रिंग्स। नाउ ऑनेस्टली देर इज़ नो राइट वे, बट देर आर टू मेथड्स व्हिच आई थिंक आर रियली इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंगिंग द गिटार। तो आज मैं आपको वो दो मेथड्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो गिटार है मेरा, इसमें भी आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग्स नहीं है। That's primarily because मैंने अभी कुछ ही देर पहले पूरे गिटार की क्लीनिंग करी थी और इसका जो फ्रेटबोर्ड है, इसकी कंडीशनिंग करी थी, जो फ्रेट्स हैं वो पूरी क्लीन करे थे। सो इसमें मैंने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया है कि किस तरह से गिटार को क्लीन करना है, फ्रेटबोर्ड मेंटेनेंस एंड कंडीशनिंग। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। द लिंक शुड बी ऑन योर स्क्रीन, इधर मे बी उधर समवेयर यू विल सी दैट। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप अपने गिटार का फ्रेटबोर्ड को मेंटेन करने के लिए ठीक तरह से क्लीन करें और सर्विस करें, तो यू शुड सी दैट वीडियो। ओके, सो नाउ वी जंप राइट इनटू स्ट्रिंगिंग द गिटार, ठीक है। अब इसको करने के लिए हमारे को कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी एंड दीज आर द टूल्स विच आई रियली रेकमेंड आपके पास होने चाहिए। इनफैक्ट टूल्स नहीं, एक टूल ही है, एक ही टूल है ये। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, बाय द वे दिस इज जस्ट माई टॉयलेट्रीज बैग जो मैंने नीचे रख दिया है जस्ट टू इंश्योर दैट द गिटार डज नॉट मूव टू मच एंड इट्स लाइक अ स्टैंड। तो इसके लिए भी एक स्टैंड होता है, पर आपको वो लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन द वन टूल विच आई डेफिनेटली रिकमेंड इज दिस। दिस इज अ प्लैनेट वेव्स स्ट्रिंग वाइंडर एंड कटर। इसमें इसकी तीन फंक्शंस होते हैं बेसिकली। ये बहुत ही सही टूल है। इसकी कॉस्ट आई थिंक 670 रुपीज़ है ऑन अमेज़न। सो जो इसका लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो आई रियली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। ये बहुत ही सही प्रोडक्ट है। एंड बाय द वे दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग पेड बाय प्लैनेट वेव्स, बट इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट विच इज़ वाई आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो अगर आप ये लेना चाहें तो नीचे जो लिंक है उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिकली इसमें तीन चीज़ें होती हैं जो तीन चीज़ों में हेल्प करता है। पहली चीज़ तो है ये पार्ट विच इज़ स्ट्रिंग वाइंड करने के लिए, तो अभी हम इसको यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ होती है बिकॉज इट्स अ स्ट्रिंग कटर एज वेल, तो स्ट्रिंग्स को कट करने के लिए, ठीक है, वो भी हम यूज़ करेंगे। लेकिन जो थर्ड चीज़ है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती, वो ये है कि इसके स्ट्रिंग वाइंडर में एक छोटा सा स्लॉट सा लगा हुआ है, ठीक है। ये स्लॉट जो है वो हम अभी यूज़ करेंगे। दिस इज़ प्राइमरली यूज्ड टू रिमूव द ब्रिज पिंस। तो अगर आप जानते हैं कि जब स्ट्रिंग्स निकाल रहे होते हैं तो ब्रिज पिंस निकालने में बहुत मुश्किल होती है हाथ से निकालना, तो ये जो स्लॉट होता है ये ऐसे करके ब्रिज पिन में फंस जाता है। यू कैन ईजिली टेक द ब्रिज पिंस आउट, ठीक है। तो इसको स्ट्रिंग वाइंडर एंड कटर कहते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रिंग वाइंडिंग एंड कटिंग के अलावा एक तीसरा यूज भी है और वो ब्रिज पिन निकालने का। ये मैंने ब्रिज पिन वापस से बिजली डाले थे ताकि आप निकाल के दिखा सको, ठीक है। तो एनीवेज, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपका गिटार जो है अब ऐसे है, आपने पूरा क्लीन कर लिया है आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो ऑफ माइन कि किस तरह से क्लीन करना है, ठीक है। नाउ यू नीड टू पुट द स्ट्रिंग्स। नाउ जो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स आप बहुत डिफरेंट कंपनीज हैं जो आप ले सकते हैं। मैं दीज अब स्ट्रिंग्स विच आई ऑलवेज रेकमेंड, दीज आर डियर डेरियोज 80/20 ब्रॉन्ज स्ट्रिंग्स। ये 0.012 लाइट गेज की हैं। जो लाइट गेज होता है बेसिकली स्ट्रिंग का थिकनेस होता है एंड सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है। आई थिंक दीज 0.012 आर रियली गुड, दे वर्क वेरी वेल फॉर मी, दे वेरी वार्म एंड जो साउंड होती है बहुत ही अच्छी साउंड आती है, लाइट साउंड होती है एंड इट्स वेरी वार्म लाइक आई सेड। तो जितनी स्ट्रिंग्स पतली होंगी उतनी ज़्यादा स्ट्रिंग्स मूव करती हैं, तो उतनी ज़्यादा आई वुड से ईजी भी होता है प्ले करना, बट इससे कम भी होता है। 0.011 करके भी गेज की होती हैं वो, विच आई डोंट रियली लाइक, उससे भी कम होती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा लाइट जो होती हैं। लेकिन आई थिंक दीज इज वंस विच यू शुड डेफिनेटली ट्राई वंस एंड यू विल नेवर गो टू एनी अदर पैक। तो इसका जो लिंक होएगा अमेजोन लिंक, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होएगा। इसका प्राइस मेरे को याद नहीं है कि इंडिया में कितने का होता है, बट आई थिंक दीज अराउंड 400-450, ठीक है। बट इट्स एन अमेजिंग इन्वेस्टमेंट, और मे बी इट्स चीपर देन दैट, आई डोंट रियली रिमेंबर, ठीक है। बट इट्स एन अमेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड द गुड थिंग अबाउट ये स्ट्रिंग्स इज कि ऑफकोर्स द क्वालिटी इज वेरी नाइस, बट इवेंचुअली आप देखेंगे तो ये नॉर्मल स्ट्रिंग्स से के सेम रेट में पड़ेंगी, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये आप ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं, जबकि जो नॉर्मल स्ट्रिंग्स होती हैं जैसे इंडियन ब्रांड्स हैं करुणा एलिस, वो आपको 2-3 महीने में रिप्लेस करनी पड़ेंगी बिकॉज स्ट्रिंग्स जो होती है बहुत डेड हो जाती है, ठीक है। जबकि ये जो है ये आप 5 महीने तक भी चला सकते हैं। मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि आप 3-4 महीने में स्ट्रिंग चेंज करिए, लेकिन अगर नहीं करते तो 5-6 महीने तक भी एक ही पैक को चलाया है, इट वर्क्स वेरी साउंड वेरी नाइस, ठीक है।
ठीक है. सो दैट्स व्हाट आई रेकमेंड. सो वी विल जस्ट ओपन दिस पैक. ठीक है, इसमें आपकी सिक्स स्ट्रिंग है. सो ये जो स्ट्रिंग्स की पैकिंग होती है ऐसी होती है कि इसमें दो दो स्ट्रिंग्स एक साथ कॉइल होती हैं. ठीक है, तो बेसिकली तीन कॉइल्स आपको दिख रहे हैं. दीज आर द सिक्स स्ट्रिंग्स. अब इसमें जो ये रिंग्स होती हैं, रिंग्स में कलर्स होते हैं, कलर कोडेड होती हैं, और जो कलर्स होते हैं इनका मतलब यहाँ पे लिखा होता है. सो फॉर एग्जांपल ये दो है. वैसे इन स्ट्रिंग्स में तो आप बता सकते हैं देख के, क्योंकि जितनी ज़्यादा थिक होगी उतना ही आपको पता लग जाएगा. जो सबसे फैट स्ट्रिंग होगी वो आपकी लो ही होगी. लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है फर्स्ट एंड सेकेंड में. तो इसमें लिखा होता है कि सिल्वर जो है दैट्स स्ट्रिंग नंबर वन एंड पर्पल इज स्ट्रिंग नंबर टू. ओके, सो दैट्स हाउ यू नो कि कौन सी स्ट्रिंग कहाँ पर लगनी है. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि स्ट्रिंग्स जो होती हैं एक साथ नहीं निकालनी चाहिए. ये एक मिथ है कि जो स्ट्रिंग्स होती हैं उसको आप बाकी वीडियोस भी देखेंगे और मैंने काफ़ी लोगों को देखा भी है जो एक स्ट्रिंग निकालते हैं पहले उसको रिप्लेस करते हैं, फिर दूसरी स्ट्रिंग निकालते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं, बिकॉज दे थिंक कि गिटार का फ्रेटबोर्ड जो है इसमें टेंशन एकदम से हटनी नहीं चाहिए. या कई लोग होते हैं दो दो के पेयर्स में करते हैं, या कई लोग तीन में भी करते हैं कि दो स्ट्रिंग्स एक साथ निकाली फिर दो लगाई उन्हीं को, फिर नेक्स्ट दो निकाली फिर उनको रिप्लेस किया ऐसे करके. आई ऑनेस्टली डोंट थिंक दैट्स ट्रू, बिकॉज जो फ्रेटबोर्ड होता है इतना वीक नहीं होता कि ज़रा सा स्ट्रिंग का इम्बैलेंस हुआ तो वो मुड़ जाएगा, वॉक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. ठीक है, सो आपने देखा कि मेरे गिटार के केस में, मतलब मेरे केस में मैंने गिटार की सारी स्ट्रिंग्स निकाली हुई हैं. सो आई एम नॉट रियली वरीड, बिकॉज द फ्रेटबोर्ड इज़ प्रीटी स्ट्रॉन्ग एंड द ट्रस्ट बोर्ड वगैरह सपोर्ट के लिए होता है, एंड द वुड इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग वुड, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट वो सब चीज़ें. ओके, सो व्हाट वी डू इज़ वील स्ट्रिंग इन द गिटार्स नाउ. तो आपको क्या करना है, पहले आप स्ट्रिंग्स को निकालिए. आई जस्ट रन यू थ्रू द प्रोसेस. लेट मी जस्ट अनकॉइल द स्ट्रिंग्स फर्स्ट. सो नेक्स्ट स्टेप है स्ट्रिंग्स को डालने का. आई प्रेफर टू पुट ऑल द सिक्स स्ट्रिंग्स ऑन द ब्रिज साइड फर्स्ट एंड देन बाद में जाके मैं यहाँ पे उनको स्ट्रिंगिंग करता हूँ. तो अभी मैं क्या करूँगा, इसी कैमरा एंगल से आपको इसमें बस अंदर डाल देते हैं, बिकॉज इसमें कुछ सीखने वाली बात है नहीं. आपको बस स्ट्रिंग लेनी है, उसको अंदर डालना है और अपने ब्रिज पिन से इसको फिक्स कर देना है. तो इसमें देर इज नथिंग दैट नथिंग वेरी टेक्निकल. तो ये मैं इसी एंगल से कर देता हूँ फ्रॉम अ डिस्टेंस ताकि आप देख सकें. तो बेसिकली मैंने डाल दिया एंड आई प्रेस द ब्रिज पिन एंड इन शॉर्ट की जो है स्ट्रिंग निकल नहीं सकती. ठीक है, अब हम स्ट्रिंग नंबर टू लेंगे. ओके, सो हमने सारी की सारी सिक्स स्ट्रिंग्स को ब्रिज में फिक्स कर दिया है, ब्रिज साइड में. अब हम कैमरा से जूम इन करके हेड साइड में आते हैं. तो इसमें आपको बताऊंगा कि वो दो तरीके कौन से हैं जिससे आप स्ट्रिंग्स को अपने गिटार पे लगा सकते हैं. ओके गाइज, नाउ दैट वी हैव ज़ूम्ड इन, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट जो ये है कि स्ट्रिंग्स को टाई कैसे करना है. ठीक है, स्ट्रिंगिंग कैसे करना है. तो इसके मैंने जैसे बताया था दो बहुत ही पॉपुलर तरीके हैं. मैं पर्सनली जो सेकेंड तरीका है वो यूज़ करता हूँ, लेकिन फर्स्ट वाला तरीका मैं शुरू में वही यूज़ करता था. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, मैं तीन स्ट्रिंग्स को पहले तरीके से लगा दूंगा, तीन स्ट्रिंग्स को सेकेंड तरीके से करूँगा. सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द लो ई स्ट्रिंग. आपने स्ट्रिंग ली, जस्ट इंश्योर कि जो ब्रिज पिन है ब्रिज पिन ठीक तरह से प्रेस हुए. ठीक है, नाउ आपने स्ट्रिंग को इसमें से, मैं इसके होल को ज़रा अलाइन कर दूँ. ओके, सो आपने स्ट्रिंग को इसमें से निकाला. निकालने के बाद थोड़ा सा इसको स्लैक दे दीजिए, अ लिटिल बिट ऑफ स्लैक. स्लैक बोले इसे, ये पूरी टाइट है, हमने थोड़ा सा इसको पीछे कर दिया, थोड़ा सा लूज कर दिया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग पकड़ के रखिए. अब हमने अपना स्ट्रिंग वाइंडर लिया और इसको हमने मूव करना शुरू कर दिया. बाय द वे, याद रखिएगा कि हमने राइट साइड जो है स्लैक है, लेकिन हमने टाइटली पकड़ के रखा हुआ है, तो हम लेफ्ट साइड को ही कर रहे हैं. अब ये स्ट्रिंग पूरी इतना घूम चुकी है. नाउ व्हाट यू नीड टू इंश्योर इज कि पहला जो टर्न है वो इसके ऊपर से जाए, मतलब ये स्ट्रिंग जो है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये लूज एंड जो है, लूज एंड नीचे से जानी चाहिए. ठीक है, तो लूज एंड ऐसे नीचे से जानी चाहिए बेसिकली. आई होप आपको समझ में आ रहा है, लूज एंड जो है वो नीचे है, जो हमारे पकड़े, हमने जो स्ट्रिंग पकड़ी है उस साइड से, तो ये नीचे से गई. नाउ यू जस्ट वाइंड इट, इसको प्रेस कर देते हैं ऐसे. ठीक है,
अब जितने भी कॉइल्स होंगे वो सारे के सारे इस लूज एंड के नीचे से जाने चाहिए। हमने इसको घुमाया एंड इस स्ट्रिंग को हमने ऐसे ऊपर कर दिया ताकि जो भी अब कॉइल्स होंगे वो सब इसके नीचे से ऑटोमेटिकली जाते रहेंगे। एंड नाउ वी कैन टाइटन द स्ट्रिंग्स। थोड़ा सा आपको इसमें मैनुअल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी कैन एक्चुअली लेट गो ऑफ द राइट हैंड। चलिए तो ये पहली स्ट्रिंग लगी, अभी हमें इसको पूरा ट्यून नहीं करेंगे लेकिन वी जस्ट लेट इट बी। अब ये पार्ट हम बाद में काट देंगे लेकिन वो बाद में करेंगे। अब हम सेकंड फिफ्थ स्ट्रिंग पे आते हैं। स्ट्रिंग वही, सबसे पहले हमने जो ब्रिज है उसको प्रेस करा। नाउ जस्ट इंश्योर कि आप समझ गए करना क्या है, तो मैं ये आपको फिर से रिपीट करके बताता हूँ। हमने पहले स्ट्रिंग को डाला इसमें से, ठीक है। तो अगर हमारा नॉर्मल हमने पूरा टाइट करके रखा होता तो स्ट्रिंग यहाँ पे आती, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा स्लैक करेंगे, इसको पीछे कर देंगे, ज़रा सा हमने लूज़ कर दिया। लूज़ करने के बाद हम वंस अगेन यहाँ पे नट पे इसको प्रेस कर लेंगे। पीछे का साइड जो है, पीछे का साइड सारा लूज़ है, हमने बस ऐसे प्रेस करके रख लिया थंब से, ठीक है। नाउ वी टेक द वाइंडर, वाइंडर से हम इसको गोल घुमाना शुरू कर देंगे। ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो डायरेक्शन है अपने डायरेक्शन सही करी हुआ। तो जो अभी मैं किस तरह से बताऊँ, ये वाली जो जो बेस स्ट्रिंग्स होती हैं उसमें आप टाइट करने के लिए हमेशा अवे फ्रॉम द गिटार मूव करना होता है, ठीक है। और ट्रेबल स्ट्रिंग्स में टूवर्ड्स द गिटार मूव करना। सो जस्ट रिमेंबर दैट कि आप उल्टा ना करें। हम इसको घुमाएंगे। चलिए तो एक कॉइल हो गया। एक कॉइल में हमने क्या करना था, वी हैव टू इंश्योर कि हमारी जो ये वाली स्ट्रिंग है नीचे से जाए, नीचे से। तो इसको हम इसके नीचे से मैन्युअली ऐसे डाल देते हैं। डालने के बाद हमने इसको ऐसे ऊपर की तरफ कर दिया। चलिए अभी नीचे से हो गया, अब हम इसको टाइट करेंगे एंड जो बाकी के टर्न्स हैं वो सारे के सारे इस लूज एंड के लूज एंड के नीचे से जाने चाहिए, करेक्ट। तो हम इसको टाइट कर देंगे एंड वी कैन लेट गो ऑफ द राइट हैंड एज वेल। ये स्ट्रिंग्स जो होते हैं इसको हम कॉइल, इसके लूप जो होता है लूप के नीचे इसलिए करते हैं बिकॉज अगर ये ऊपर होएगा तो हो सकता है कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो जो स्ट्रिंग्स होंगी ऊपर से निकल सकती हैं। तो अभी क्योंकि ये इस ये जो हमारा एक गांठ है इसके नीचे है, द इंटेंट ऑफ दैट इज़ कि ये स्ट्रिंग्स अब निकल नहीं सकती। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो उसी तरीके से अब हम जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है, नेक्स्ट स्ट्रिंग को भी करते हैं। डाला, पहले इंश्योर कर लिया कि ब्रिज प्रेस्ड है, हमने डाला इसमें इसके ग्रूव में। नाउ वी जस्ट लीव अ लिटिल बिट ऑफ स्लैक, तो हम इसको थोड़ा लूज छोड़ देते हैं एंड वील प्रेस इट फ्रॉम द नट। हमने प्रेस किया, हमने स्ट्रिंग वाइंडर किया और इसको रोटेट करना शुरू किया। जब पहला कॉइल होएगा, पहले कॉइल के बाद हम पहले इस लूज एंड को इसके नीचे से निकालेंगे। नीचे से निकाला और इसको ऐसे ऊपर की तरफ कर दिया ताकि ये टाइट रहे। अब हम इसको वाइंड करना शुरू करेंगे। अब जितने भी सब्सिक्वेंट टर्न्स होंगे इसमें ये इसके नीचे से होना चाहिए लूज एंड के। सी दैट्स द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस प्लैनेट वेव्स स्ट्रिंग वाइंडर कि आपको स्ट्रिंग वाइंड करने में, आपको वाइंड करने में या लूज करने में इट्स सो ईजी। Build a little more tension in the strings. इनको थोड़ा सा और टाइट कर दिया। Okay, fantastic. Okay guys, so now that हमारी टॉप की थ्री स्ट्रिंग्स लग चुकी हैं, we'll string the balance three. लेकिन उससे पहले हम ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है स्ट्रिंग्स का, इसको हम काट देंगे। How do we do that? We use our fantastic tool, the Planet Waves string winder and cutter. इसको हमने इसे खोला, तो it has this amazing cutter as well. So we can use it. To snip off the strings. अब आप चाहें तो इन strings को ऐसे भी रख सकते हैं। कई लोग होते हैं वो added style के लिए, style effect के लिए strings लगा के रखते हैं, but generally जब आप play करेंगे ये sound सी आती है, which I don't like. I think it's a pretty dangerous thing as well, कि किसी की आँख में भी जा सकता है। तो ये dangling parts होते हैं, इसलिए it's always better कि इसको cut कर लें। तो I use my
finger to cut it. And it's very simple cutting the strings with this. Yeah, and they look fantastic, don't they? Okay, so now we'll actually string in 1, 2, and 3. तो इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे. I don't really know इसका नाम क्या है, नाम भी होते हैं इन सबके. But we'll use method number 2, which is the one which I currently follow. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रिंग लेंगे. We just ensure that the bridge pin is pressed. ठीक है, now ये जाएगा इसमें. So हम स्ट्रिंग को पहले इस होल के थ्रू निकालेंगे. ठीक है, तो हमने निकाला इसको इसके स्लॉट में, नट में से ऐसे निकाल दिया. नाउ वी जस्ट मेक इट अ लिटिल लूज. हमने इसमें क्या करना है, हमने यहाँ से लूज पकड़ना है और यहाँ से टाइट रखना है. ठीक है, अब इस स्ट्रिंग जो ओपन एंड है, ओपन एंड को हम टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द गिटार, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में घुमाएंगे और इसके नीचे से निकाल देंगे. ये हमने निकाला, ठीक है, ऐसे निकाला और इसको ऊपर से निकाल के, यहाँ से ऐसे ऊपर से घुमा के एक ये एक नॉट सी बांध देंगे. अभी मैं आपको रिपीट करके नहीं दिखा सकता, लेकिन हम बाकी जो स्ट्रिंग्स करेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसमें आई एम श्योर आप समझ जाएंगे. नाउ ऑल यू नीड टू डू इज इसको प्रेस इट लाइक दिस, यूज योर स्ट्रिंग वाइंड अप एंड टाइटन इट. अब जनरली मैं जब स्ट्रिंग्स लगाता हूँ तो आई वुड बी ऑन दैट साइड लगाते हुए, बट बिकॉज मेरा कैमरा उस तरफ है तो मेरे को इस तरफ से लगाना पड़ रहा है, सो इट्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल फॉर मी. बट आई एम होपिंग कि आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज दैट्स प्रिसाइसली व्हाट दिस वीडियो इज फॉर, टू इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड. ठीक है, चलो अब मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ कि ये तरीका क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा. तो वी विल डू इट विद स्ट्रिंग नंबर 2. हमने पहले स्ट्रिंग ली, जो इसका होल है इसको हमने अलाइन किया, इसको स्ट्रिंग को होल से निकाला. ठीक है, होल से निकाला. अब हमने इस पार्ट को थोड़ा सा पीछे खींचा ताकि थोड़ा सा स्लैक मिल जाए. ठीक है, स्लैक किया. अब ये जो साइड है, ये साइड ओपन स्ट्रिंग वाली साइड है, जो लूज है, लूज एंड को हमने टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर मतलब इस तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ हमने इसको घुमाया, क्योंकि मैनुअली घुमाया, मैनुअली घुमाया और इस स्ट्रिंग के नीचे से निकाल दिया, स्ट्रिंग के नीचे से निकाला. नीचे से निकाल के हमने इसको ऐसे टाइट कर दिया. ठीक है, टाइट करा. अब हमने इसको ऊपर से घुमाया, दैट्स इट, ऊपर से घुमा के हमने ऐसे कर दिया. अब ये ऐसे हो गया टाइट. नाउ यू यूज अ स्ट्रिंग वाइंडर एंड टाइटन इट. लास्ट स्ट्रिंग, एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगा हाउ टू डू दिस, बिकॉज इट कैन बी लिटिल कंफ्यूजिंग. स्ट्रिंग ली हमने पहले, हमने चेक करा कि जो ब्रिज पिन है प्रेस्ड है, जो इसका होल है उसको लाइन करा, स्ट्रिंग को होल के थ्रू निकाला, थोड़ा सा हमने राइट हैंड से स्लैक करा. ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग की लूज एंड है, लूज एंड को हमने इस तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ हमने इसे बेंड किया और इस स्ट्रिंग के लूज एंड के नीचे से निकाल दिया. लूज एंड के नीचे से निकालने के बाद हमने इसको टाइट किया. ठीक है, और इस लूज एंड के ऊपर से निकाल दिया. हमने ऊपर से निकालने के बाद इसको ऐसे एक इसमें बेंड कर दिया है. दैट्स इट. अब आपको अपना स्ट्रिंग वाइंडर लेना है, इसको टाइट कर देना है. सो हमारी स्ट्रिंग्स जो हैं, हमने दोनों तरीकों से कर दिए. नाउ व्हाट वी डू इज वी जस्ट कट ऑफ द एक्स्ट्रा पार्ट्स. एक्स्ट्रा जो स्लैक है इसको हमने कर दिया.
that's it, and your strings are done. Okay guys, so हमने अभी अपने गिटार पे स्ट्रिंग्स लगा ली हैं दोनों तरीके से, ठीक है. नाउ रिमेंबर कि क्योंकि अभी स्ट्रिंग्स न्यू हैं तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा अपनी एक्चुअल लेंथ में आने में, ठीक है, क्योंकि अभी ये थोड़ी स्ट्रेच टाइट होती हैं, धीरे धीरे स्ट्रेच होती हैं, फिर बाद में जाके अपनी ओरिजिनल लेंथ जो सही लेंथ होती है उसमें आ जाती है, ठीक है. सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज इसको थोड़ा सा स्ट्रिंग्स को ऐसे स्ट्रेच करिए, ठीक है, एक दूसरे की तरफ ऐसे करिए ताकि स्ट्रिंग्स थोड़ा सा खुल जाए, और ग्रेजुअली अपनी ट्यूनिंग इसको स्टैंडर्ड में करिए. तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि इसको कुछ 5-10 मिनट देता हूँ, 5-10 मिनट थोड़ा टाइट होने दो, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा और टाइट करता हूँ, ठीक है, सारे स्ट्रिंग्स को. एंड इवेंचुअली फिर आफ्टर अबाउट 15-20 मिनट्स इज वेयर आई एक्चुअली पुट इट ऑन द स्टैंडर्ड ट्यूनिंग, जो मेरी जो मेरे को ट्यूनिंग चाहिए स्टैंडर्ड, ठीक है. तो मैं इमीडिएटली नहीं करता, थोड़ा सा स्ट्रिंग्स को लूज होने देता हूँ, ठीक है. सो आई एम श्योर ट्यूनिंग करना तो आपको आता ही होगा, सो आई डोंट रियली नीड टू डू दैट, बट आई होप दैट द वीडियो हेल्प्स यू अ लिटिल बिट कि किस तरह से हम किस सही तरीके से हम स्ट्रिंग्स को लगा सकते हैं. एक्चुअली कोई सही तरीका नहीं होता, यू जस्ट नीड टू इंश्योर कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो निकले ना. कई कई तरीके होते हैं जिसमें, जैसा कि हमने जो लूप्स हम कॉइल्स कर रहे थे वो हम नीचे कर रहे थे ओपन एंड के, तो उसका बेसिकली जैसा कि मैंने बताया इंटेंट ये होता है कि स्ट्रिंग्स ऊपर से निकले ना. तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं, आप किसी भी तरीके से करना चाहें कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपको प्रॉब्लम्स ना आए, बट दीज आर द टू कॉमन वेज इन विच स्ट्रिंग्स, कॉमन करेक्ट वेज इन विच स्ट्रिंग्स कैन बी पुट ऑन, ठीक है. सो इफ यू लाइक द लेसन डू गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड Yeah, this is Adit Kundra and I'll be seeing you guys very soon in the next video, whenever that is. Take care guys.